नूह मेवात जिले के नगीना थाना अंतर्गत गांव असाईसी का में एक महिला द्वारा अपने पति ससुर वे नंदेव के खिलाफ जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने व मारपीट करने बाबत नगीना थाने में एक शिकायत दी है। शिकायत में पीड़िता श्रीमती सरजीना पत्नी साकिर गांव असाईसी का थाना नगीना जिला नुहू ने बताया कि वह घरेलू औरत है। दोषियानों से पहले भी उन्हें जान माल का संपूर्ण तरीके से खतरा बना हुआ है, जिसके चलते रिट पटीशन भी दाखिल की हुई है, जिसमें पीड़िता को हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन के आदेश पारित किए हुए हैं। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 8 फरवरी को समय करीब 2 बजे सभी आरोपियां आपस में हम मशोरा होकर उन्हें जान से मारने की नियत से उनके घर पर हमला बोल दिया। दोषी साकिर जो महिला का पति लगता है उसने जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया और जब इसका पीड़िता ने विरोध किया तो दोषी सद्दी उर्फ साबिर जो उनका नंदेव लगता है उन्होंने उनके सिर में ईंट उठाकर मारी, जिससे महिला का सिर फट गया तथा वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को आने की भनक लगते ही दोषियान उसे मरा छोड़कर वहां से चले गए। जैसे तैसे डायल 112 नंबर पर कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को घायल अवस्था में देखकर मांडीखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उनके उल्टियों वगैरह के सैंपल इत्यादि लिए गए। दोषियान उन्हें वहां से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तथा 10-2 को महिला को वापिस उनके घर असाईसी का में छोड़कर चले गए। महिला ने इसकी शिकायत नगीना थाने में देख अपने पति साकिर पुत्र बसीर, मौसिम पुत्र छुट्टन, बसीर पुत्र रम्मल, ससुर निवासियान गांव असाईसी का थाना नगीना, सद्दी उर्फ साबिर पुत्र जफ्फी उर्फ जफरुद्दीन निवासी गांव मन्ना का हाल आबाद ताऊ रोड पेट्रोल पंप के पीछे नूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। वही इस मामले में नगीना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अडास का कहना है कि महिला की शिकायत प्राप्त हो गई है, मामले की सत्यता से जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और महिला को हर संभव इंसाफ दिलाया जाएगा। आदमी क्या नाम है आपका? सरजीना। सरजीना कौन सा गांव है? असाईसी का। तो जो आप आज थाने आई हैं, क्या घटना हुई थी? क्या ये घटना हुई ही 8 तारीख लो, मेरा आदमी ने मुल जहर दियो, मेरे ननदेव ने मेरे गिड़ मारी ही, मेरे ससुरो भी वहीं पे हो और मेरे कक ससुर का छोरा मौसिम वो भी वहीं पे हो। अच्छा। हाँ, इनने मोलू जहर दियो मेरे आदमी ने। अच्छा, आपका आदमी? हाँ, आपका आदमी ने जहर दियो मोलू। और सर मो इंसाफ चाहिए, मैंने पहले भी हाई कोर्ट से अपनी ये वहाँ में लिखवा रखे खतरा में, तो सर मो इनसु खतरा है और मो इंसाफ मिलना चाहिए, पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे गए लड़ाई जिताई करता मैं नहीं ना हूँ मैं ऐसा। हाँ, झगड़ा किस बात पे हुआ था? किस झगड़ा? मेरे और भाई कोई हुई हो झगड़ा और वे दोनों साथ में आए, मेरे ननदेव लेकर आयो या नूहू सो गाड़ी पे सो आयो, और जब इनके पेड़ डटो पड़ो जब उलायो या मोटरसाइकिल पे। हाँ। जहर किसने दिया? जहर मेरा आदमी ने दियो। अच्छा, आपका आदमी ने जहर? हाँ, मेरा आदमी ने दियो। और परिवार नहीं था वहाँ मौजूद? परिवार और ना, मेरा लड़का हुई भी पहले ही साइकिल लेर निकल गो, लड़की मेरी वो भी ना ही घर पे ना, जब पीछे जब मुल जहर दियो है, जब मैं उनके पेश छूट छाट के भागी हूँ बाहर लू, जब लड़ाई गुथाई मारनो और पेटनो जब हुई है बाद में लड़ाई, पहले जहर दियो इन मोल। शिकायत आपने दे दी? शिकायत दे दी। हाँ, थाने मैं यह चाहती हूँ सर मोले इंसाफ मिलना चाहिए, सख्त से सख्त इनके गैल कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कोई आपने अरेंज मैरिज कोई ऐसा कुछ कर रखा? हाँ सर, कर रखा हो कोर्ट मैरिज ना सर, रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप? हाँ, रिलेशनशिप हो। किसके साथ में कर रखा? मुबारक सिंगर दोहनो दो। हाँ, तो अब शिकायत आपने दे दी है, तो क्या मांग करती हूँ सर? मैं तो यही मांग करती हूँ इनके गैल जो सजा होनी चाहिए नु होनी चाहिए, जो इन तंग ना करा। सीधी सी बात है, मैं तो सबके सामने कहूँगी, मोकाई को कोई डरना, मोकाई को कोई दबाव ना, तंग भी इतने करा हाँ इतने करा कि मैं बहुत ज़्यादा तंग करा, या वजह से मैंने हाई कोर्ट से कहा नाम अपनी वो मांगी, अपनो बचाव मांगो मैंने तो।